The most awaited Indian film of 2021, Banti aur Babli 2, helmed by Varun V. Sharma and starring Rani Mukherjee, Saif Ali Khan, Siddhant Chaturvedi and Sharvari Wagh, has finally released in the theatres today. Banti aur Babli 2 is a sequel to the memorable 2005 film. It's about two sets of con artists who constantly try to outplay the other. In Banti aur Babli 2, Saif Ali Khan and Rani Mukherjee play the original Banti and Babli. Gully Boy actor Siddhant Chaturvedi and debutant Sharvari are essaying the characters of the new Banti and Babli, who are on the run both from the police and the original pair of con artists. As the film is finally released, let's check out some public reaction. जो पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग है, कॉमिक टाइम उनका, वो सब अच्छा लगा। और जो न्यू हीरोइन उनके लुक वगैरह अच्छे थे, और अच्छे सीन जो एकदम जो बताए सीन, वो कॉमिक टाइम वगैरह, न्यू कॉमेडी थोड़ी, वो भी अच्छी लगी। एक्टिंग रेट में आपको कौन सी की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी? एक्टिंग में सैफ अली खान की रेट, रानी मुखर्जी दोनों की अच्छी लगी एक्टिंग। और न्यू हीरोइन हीरोइन की भी अच्छी थी, चतुर्वेदी और शिरवारी की। मूवी अच्छी है, बट आई थिंक फर्स्ट इज बेटर। ओके, सो क्या कुछ आपका एक्सपेक्टेशन था और एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी कि नहीं? नहीं, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था, बट उससे थोड़ी सी कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है। ओके, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाइज पंकज सर। और बेस्ट पार्ट क्या कुछ लगा इस मूवी में? आई थिंक मूवी के कॉस्ट्यूम्स और मूवी की स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है। वो बेस्ट है। ये सब के बारे में क्या कुछ बताना? सॉन्ग्स उतने खास नहीं है, फर्स्ट के बेटर है। सो ये हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा आपके? फ्लॉप तो नहीं होगी, बट आई थिंक एवरेज हिट बोल सकते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी लगी और ये 100% बंटी और बबली चलने वाली है। जैसे लग रहा था कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सूर्यवंशी भी आया है, लेकिन सूर्यवंशी और ये तो मैं भी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको बंटी और बबली को दूंगी। मज़ा आया क्योंकि बहुत दिनों बाद देखी, सूर्यवंशी को देखे हुए भी टाइम हो गया, तो मज़ा आया। रानी का रोल अच्छा है, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग है, कपड़े ने, चश्मा ने, वो थोड़ा ओवर एक्टिंग लगती है, लेकिन अभी वो पंजाबी का जो रोल की है उसमें वो सूट करती है। पिक्चर के गाने कैसे लगे आपको? पिक्चर का गाना एक अच्छा है, बाकी कोई वो जरूरी नहीं है। जो इन्होंने देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। जो फर्स्ट पार्ट, जो मतलब जो अभिषेक बच्चन और जो रानी मुखर्जी की जो पहला बंटी बबली जो था, जो देखने में जज्बा था और जो देखने को मिला, वो इसमें नहीं मिला। जो कि ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि सैफ अली खान जो है नहीं खरे उतरेंगे, और वही बात हुआ। लेकिन मैं ये भी बोला था कि ये मूवी जो है अगर कॉमेडी पब्लिक के ऊपर दिल छा जाती है तो हो जाएगा। तो स्टार्ट तो मूवी होती है, और पंकज त्रिपाठी, हाँ, उन्होंने दिल जीत लिया, मैं मानूंगा, क्योंकि अगर वो ये मूवी में नहीं रहते तो ये मूवी एकदम डब्बा हो जाती। उन्होंने ये मूवी को जान डाल के रखा है। पिक्चर देखने के बाद मैं आई एम वेरी मच अपसेट, तो मैं यश चोपड़ा से मैं बोलूँगा, भाई घाई घाई में पिक्चर में बनाओ, पैसे ज़्यादा वगैरह दे दो हमें यार, सीरियसली यार, लॉकडाउन में वैसे भी पैसे वैसे नहीं हमारे पास, हमें ही दे दो, कुछ भी पिक्चर बना दो, ऑडियंस को यू एक्सपेक्ट यार, एकदम यू आर जस्ट मेकिंग अस अ फूल यार। बंटी और बबली पहला मूवी क्या था, एक फटाका था यार, इसके सामने ये कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो ताजमहल बेच आते, यहाँ तुमने गंगा नदी वही घुमा फिरा के वही खानी दे दिया, गंगा नदी बेच दिया, वही कमांडो घसीना बता कुछ भी यार कर दिया। माउंट आबू में जाके अपना बजट बढ़ा दिए, माउंट आबू में वहाँ अबू धाबी में जाके क्या 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 करवाना, क्या चाहते थे यार, मुझे समझ में आया पिक्चर में था क्या। देखिए अभिषेक ने अपना कैरेक्टर उनके मूवी के हिसाब से अच्छी तरह से निभाया सैफ अली खान में। यहाँ पे सैफ अली खान को दो रोल्स में निभाया, एक पहला लाइक अनफिट टाइप का जो ट्रेन वाला जो नॉर्मली कैजुअली मैनेजर, फिर बाद में उनको अबू धाबी में देखा वेर हीज फिट लाइक बिजनेस टाइकून फ्रॉड एक माफिया तौर पर। सैफ अली खान ने रानी में सारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी जो नए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो त्रिपाठी सर जो पुलिस का रोल जो अमिताभ बच्चन का किया, सब ने अपना कैरेक्टर सब अच्छी तरह से प्ले किया। बट योर स्क्रिप्ट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, स्क्रिप्ट में जो होना चाहिए ना वो नहीं, आपने अपना होमवर्क नहीं किया। जो डायरेक्टर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आपने अपना होमवर्क नहीं किया। जो स्क्रिप्ट की जो बोलते हैं ना, जो पावर पंचिंग लाइक पंचिंग डायलॉग्स होने चाहिए, कॉमेडी पंचेज, इंसान थिएटर में से निकलने का मन ना करे, तो ऐसा लग रहा है हम लोग बार बार हम लोग बोल रहे क्या यार, फर्स्ट हाफ भी लाइक
हाँ ठीक है चलो देख लेते हैं सेकेंड हाफ ठीक रहेगा, जब जहाँ लगा सेकेंड हाफ ठीक लगने लगा फिर वही घुमा फिरा के वही स्टोरी हो गया। लेकिन फालतू में बोरिंग मूवी, बहुत सर दर्द हो रहा अभी भी मेरा, मतलब कि कान बज रहा है मेरा। आपको क्या नहीं अच्छी लगी सैफ अली खान, इसके लिए नहीं अच्छी लगी सैफ अली खान? वो बात नहीं है, सैफ अली खान है चलो सही है, आप बंटी बबली का हीरो ही चेंज कर दिए, चलो मानता हूँ आप हीरो चेंज कर दिया है, मतलब कि अब स्टोरी पे काम नहीं है, मतलब शुरू का जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है 35 से 40 मिनट बहुत अच्छी लगती है मूवी, उसके बाद इस तरह बैठ जाती है मूवी, मतलब कि खत्म ही हो गया पूरा, एंड तक ले जाती है। तो आपने वन देखी है, पार्ट वन? पार्ट वन देखी है, एक बार नहीं दो बार देखी थी, मेरे को याद है 2006 या 2007 में। आपको कैसे लगा फिर ये बच्चा? वो यार वो मूवी बहुत अच्छी थी, उससे अगर कंपेयर करें ना, मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह पर हिट मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो उस जमाने में 2007 या 2006 में। ये यार क्या बना दिया, जैसे लग रहा है कि अभी तो लास्ट में उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि बंटी बबली 3 भी बनाएंगे, मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपना 3 बनाना ही मत, मतलब यहाँ 2 बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 कौन बर्दाश्त करेगा। Now let's see how many stars they gave the movie. 3.5 2.5. मैं 4.7 100% दूंगी इसको। मैं रेटिंग 5 में 3 दूंगा, मैं 1.5 स्टार, मैं 1.5 दूंगा, मैं तो वो भी छीन लूंगा यार सीरियसली। Bunty aur Babli 2 also stars actor Pankaj Tripathi in pivotal role. The film is produced by Yash Raj Films. INS report.